नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 विक्रमगंज रोहतास। कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास में शुक्रवार को वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर आर एन सिंह, निदेशक प्रसार शिक्षा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन क्षेत्रीय निदेशक कृषि अनुसंधान केंद्र पटना डॉक्टर रियाज अहमद, प्राचार्य वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमराव द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की गई। डॉक्टर आर एन सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि साइंस सेंटर है, एक छोटा ग्रुप, एक से दो आदमी का या तीन आदमी का, आदमी की संख्या भी कम है, लेकिन जो हमारे टेक्निकल स्टाफ है उनमें से एक दो लोगों को कोई SMS और एक दो टेक्निकल स्टाफ का एक फार्म एडवाइजरी यूनिट बना दो, यहाँ पर एक कमरा कोई आरक्षित कर दो, उसके लिए जो भी सामान की ज़रूरत है वो भी आप भेज दो, और एक फार्म एडवाइजरी यूनिट KVK में हो, जिस जहाँ पर किसान भाई को यदि कोई सलाह देनी है तो वहाँ से दी जाए, और यदि कोई किसान भाई अपनी कोई सलाह देता है कृषि विज्ञान केंद्र को या खेती के बेहतरीकरण के लिए, कृषि आधारित दूसरे कामों के अच्छाई के लिए, तो उसको भी नोट किया जाए। उससे क्या होता है कि भारत सरकार ये जानना चाहती है कि हमने कौन कौन से सुझाव दिए और हमको क्या क्या सुझाव मिले, तो इस काम के लिए एक फार्म एडवाइजरी यूनिट का गठन